हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव देखेगी दुनिया। धार्मिक नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी पूरी। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने पर खास इंतजाम। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। छावनी में तब्दील हुई रामनगरी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से भी की जा रही है निगरानी। आज रामनगरी अयोध्या में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दीपोत्सव के दौरान एक साथ जलाए जाएंगे करीब 25 लाख दिए। भव्य दिव्य और मनमोहक होगा नजारा। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूरज ढलने के बाद शुरू होगा भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम। दीपोत्सव से पहले निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। रामकथा के तर्ज पर होगा कार्यक्रम। भगवान राम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से लक्ष्मण के साथ रामकथा पार्क में पधारेंगे। आज दिन भर जारी रहेगा अयोध्या में रंगारंग कार्यक्रम। सुबह 10 बजे निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। 11 बजे निकाली जाएगी रामायण से जुड़ी झांकी। शोभा यात्रा और झांकी देखने के करीब 3:15 बजे कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे सीएम योगी और राज्यपाल। 3:30 बजे प्रभु श्रीराम के पुष्पक विमान का सीएम करेंगे स्वागत। शाम को 4 बजे के आसपास भगवान राम और सीता का होगा राज्याभिषेक। सीएम योगी तिलक लगाकर उतारेंगे आरती। कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम पद पर काबिज होने के बाद ये 7वां दीपोत्सव। शाम 6 बजे होगा रामायण पर आधारित भव्य 3D हेलोग्राफिक शो। सीएम करेंगे लेजर शो का लोकार्पण। 9 बजे रामलीला का होगा मंचन। अयोध्या में दिखेगी त्रेता युग वाली रौनक। आला अधिकारियों ने लिया अयोध्या में सुरक्षा इंतजामों का जायजा। रामनगरी में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। दीपोत्सव से पहले उतारी जाएगी सरयू जी की आरती। शाम 6 बजे होगा सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन। ऐतिहासिक दिवाली मनाने की पूरी तैयारी। अयोध्या में दिवाली को खास बनाने की तैयारी तेज। रामलला के लिए तैयार किए जा रहे हैं खास पोशाक। सालों से तैयार कर रहे पहाड़ी परिवार के सदस्य। दिवाली पर सुरक्षा को लेकर यूपी में अलर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया अयोध्या में तैनात की गई कई कंपनियां। रिजर्व फोर्स भी अलर्ट पर है। दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाई श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। दिवाली पर दिखी खास सजावट। देश भर से पहुंच रहे पर्यटक। भारत में अमेरिकी राजदूत ने मनाई दिवाली। दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में हुआ आयोजन। बॉलीवुड के गानों पर जमकर थिरके अमेरिकी राजदूत। जम्मू कश्मीर में दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव। हिंदू कर्मचारियों को आज से 14 नवंबर तक विशेष छुट्टी। अधिकतर कर्मचारियों का कश्मीर से बाहर रहता है परिवार। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच धनतेरस के मौके पर अयोध्या में बाजारों में दिखा रौनक। रामनगरी में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। दिवाली और धनतेरस के चलते देश भर के बाजार जगमग। धनतेरस पर देश भर में 50,000 करोड़ का हुआ कारोबार। महज एक दिन के अंदर सिर्फ सोने चांदी का कारोबार पहुंचा 30,000 करोड़ के पार। धनतेरस पर मुंबई में जमकर हुई खरीदारी। ज्वेलरी शॉप ऑटोमोबाइल बर्तन इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर देर रात तक ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। भोपाल चंडीगढ़ और जयपुर में भी धनतेरस पर जमकर खरीदारी हुई। बाजारों में दिखी धनतेरस की धूम। खूब बिके सोने चांदी और वाहन। दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में उमड़ रही जबरदस्त भीड़। ज्वेलरी शॉप पर उमड़ी खरीदारों की भीड़। चांदनी चौक से सदर बाजार तक रौनक देखने को मिली। पटना के बाजारों में धनतेरस पर दिखा रौनक का माहौल। पटना वासियों ने जमकर की सोने चांदी की खरीदारी। दिवाली से पहले 1,000 करोड़ का कारोबार। धनतेरस पर मेरठ के बाजारों में अरबों रुपए की धन वर्षा हुई। देर रात तक चलती रही खरीदारी। सेंट्रल मार्केट में ऐसी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। धनतेरस पर बाजारों से सड़क तक दिखा लोगों का सैलाब। भारी संख्या में लोगों के निकलने से कई जगहों पर लंबा जाम। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आधी रात को भी लंबा जाम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।